नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल फूड विद विनोद में। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ एकदम बेहतरीन और इंटरेस्टिंग स्नैक्स। मैं बनाने वाला हूँ दोस्तों आज पापड़ और मोमो से एक बढ़िया सा और अलग तरीके का स्नैक्स, शायद ही आपने खाया हो। तो दोस्तों ये स्नैक्स बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम ले लेंगे पापड़, मैंने लिज्जत पापड़ ले लिए हैं, और ये मैंने मोमो ले लिए हैं, वेज मोमो। आप वेज या नॉन वेज कोई भी मोमो इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज़ स्लाइस का मैंने टुकड़ा लिया है, एक चीज़ अमूल चीज़ का, और मोमो को हम बीच से कट कर लेंगे, एकदम सेंटर से कट लगा लेंगे। और जो चीज़ का टुकड़ा है इसमें स्टफ़ कर देंगे इस तरह से। ये देखिए सारे पीसेज में मैंने चीज़ स्टफ़ कर लिया है। और एक बाउल लेंगे, इसमें 4 टेबल स्पून मैदा डाल लेते हैं इस तरह से, और इसमें 1/2 चम्मच नमक और चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर डाल के अब हम इसमें पानी डालेंगे। इसका हम एक बैटर बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने बैटर बना के तैयार कर लिया है। और जो पापड़ हैं एक बाउल में इनको भिगा लेंगे हम पानी में लगभग 25 से 30 सेकंड के लिए। इस तरह से हम भिगा लेंगे और 25-30 सेकंड के बाद इसे निकाल लेंगे और एक प्लेट में फैला लेंगे और इसे कपड़े की सहायता से पोंछ लेंगे। और अब हम इसमें शेजवान सॉस लगा लेते हैं, आप किसी भी प्रकार का इसमें सॉस चटनी लगा सकते हैं। और इसके सेंटर में हम जो हमने मोमो में स्टफ चीज़ डाल के रखा है इसको हम इसमें फोल्ड करके इस तरह से कर लेंगे। और बैटर का हम किनारे में थोड़ा सा बैटर लगा लेंगे जिससे कि ये फोल्ड इसका निकले ना। ये देखिए इस तरह से हम इसका एक पॉकेट बना लेंगे और इसे हम बैटर में डीप कर लेंगे और ब्रेड क्रम्स में इसे अच्छी तरह से कोट कर लेते हैं। ये देखिए इसी तरह से सारे पीसेज हम बना के रेडी कर लेंगे। ये सभी को हम बढ़िया करके डीप करके ब्रेड क्रम्स से कोट कर लेंगे। और अब हम बन के तैयार हैं। और अब मीडियम फ्लेम में ऑयल गर्म है और इसे फ्राई कर लेंगे जब तक ये क्रिस्पी है और गोल्डन कलर इसमें ना आ जाए। ये देखिए एकदम गोल्डन कलर आ चुका है दोस्तों, एकदम क्रिस्पी बन के रेडी हैं। दोस्तों ये स्नैक्स देखने में जितना बढ़िया लग रहा है और बनाने में उतना ही सिंपल और इजी है। ये देखिए अब हमने मोमो के 1/2 यानी कि 1 के 2 पीसेस कर लिए हैं। तो पापड़ मोमो और चीज़ का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देता है। तो दोस्तों आप भी इसे ट्राई करिएगा। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू।